जो अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में आया है वो 5 की है, ये संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में 5 व्यक्तियों की जो घटना स्थल पर उपस्थित थे शूटर के रूप में उनकी पहचान की गई। सोमवार को राजधानी पटना में नीलेश मुखिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें CCTV कैमरों की तलाश करते पटना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में सोमवार को गोलियों की तड़ताहट से गूंज उठा था, जब सोमवार के 10 बजे दिन की ये घटना है जहां पे पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के कुर्जी इलाके में धनादन गोलियां चलाकर नीलेश मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना SSP राजीव मिश्रा ने बताया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात में और CCTV की छानबीन में ये पता चला है कि अपराधी और शूटर 5 की संख्या में थे, जो कि घटनास्थल पर पहुंचकर उस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं अगर बात करें तो चोरी की जो 2 साइकिल वारदात में इस्तेमाल हुई थी वो नालंदा और रूपसपुर का बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं पटना SSP राजीव मिश्रा, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। नीलेश यादव पर जो गोली चली थी उसमें क्या अब तक अपडेट आया है? देखिए, जो नीलेश यादव पे जो गोली चली थी उसमें जो प्राथमिकी अंकित की गई वो नामजद प्राथमिकी अंकित की गई है 3 लोगों के विरुद्ध जो उनके पड़ोसी हैं, और उसमें जो प्रारंभिक अनुसंधान में आया है कि पूर्व में भी इस तरह का एक जो है षड्यंत्र रचा गया था, उसमें भी जो है ये लोग जो इसमें जिनको नामजद किया गया है उनकी भूमिका का उल्लेख पाया गया अनुसंधान के क्रम में। तो पुलिस जो 3 नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, इसके अलावा जो शूटर है उनका भी जो है काफ़ी हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान में प्रगति की है और उनका भी आने जाने का जो रास्ता है उसकी पहचान हो गई है। वो और भी कई चीज़ें जो तकनीकी अनुसंधान के क्रम में जिसको अभी स्टेज पर नहीं, हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है, और इसमें जो शूटर संलिप्त है उनकी भी पहचान हम लोग जल्दी कर लेंगे, हार्डली मतलब 24 से 48 घंटे। 3 जो नामजद हैं उनके पड़ोसी हैं, नाम तो हमारे पास अभी नहीं उपलब्ध है, लेकिन तीनों बताते हैं भप्पू राय और गोरख राय, तीनों पता स्वर्गीय महेंद्र राय, इन लोगों को नामजद किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ये फरार है सर या पूछताछ हो रही है? नहीं, अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, अभी फरार है। नहीं, देखिए शूटर की पहचान नहीं होगी, हमने ये नहीं कहा कि शूटर की पहचान, हमने ये कहा कि तकनीकी अनुसंधान में काफी प्रगति हुई है जिसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही शूटर की पहचान कर लेंगे। जो अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में आया है वो 5 की है, ये संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में 5 व्यक्तियों की जो घटना स्थल पर उपस्थित थे शूटर के रूप में उनकी पहचान बाइक नंबर पहचान हुआ, बाइक नंबर आ गया क्या? दोनों जो गाड़ियां थी उनकी पहचान कर ली गई है, उसमें जो है एक गाड़ी जो है नालंदा से चोरी हुई थी और एक दूसरी गाड़ी रूपसपुर थाना क्षेत्र से, उससे एग्जैक्टली क्या पोजीशन है उसकी मुकदम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। नीलेश मुखिया जी को कितनी गोली मारी गई थी? अभी तक जो बात आई है 7 गोलियों की बात है, लेकिन अभी स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। गोली कितनी निकली है बॉडी? ये हमारे पास जानकारी है सर, एक वीडियो जारी किया गया है पप्पू राय की तरफ से कि जिसमें वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, फेसबुक पेज पे ये प्रूव किए हैं कि हमने दीघा को फोन किया था, दीघा को फोन किया था, पार्टी पता को फोन किया था और DSP का फोन किया था कि हमारी कहीं भी गलती हो तो हमें फांसी की सजा दे, अपनी पक्ष रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं और पुलिस के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं, उसमें वीडियो पे बोलने की जरूरत नहीं, अगर वो निर्दोष हैं तो उनका पक्ष सुनकर उस बिंदु पे भी अनुसंधान किया जाएगा, लेकिन अभी प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आई है वो हम आपको बता रहे हैं और फिलहाल पुलिस के समक्ष उपस्थित है। मेन रीजन क्या था? जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि दोनों लोग जो है स्थानीय रूप से अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे और पूर्व से जो है राजनीतिक बिंदुओं पर भी कुछ प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है वो पूरा जब केस का अनुसंधान पूरा हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान में हम लोग जैसे जैसे प्रगति करेंगे आपको उसके साथ दोनों के साथ शेयर करते रहेंगे। नहीं, देखिए अनुसंधान जो होता है उसमें हम आपको ये नहीं बता सकते अभी इस स्टेज में कि हम किससे पूछताछ करेंगे और किससे नहीं करेंगे, जिनकी भी जरूरत होगी उससे हम पूछताछ करेंगे, वो चाहे उनके बालू के पार्टनर हो, उनके परिवार वाले हो, उनके पड़ोसी हो या उनके मित्र हो या उनके दुश्मन हो, जो पुलिस के अनुसंधान में स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अनुसंधान के क्रम में जो लीड्स मिलती हैं उस पर फर्दर हम लोग डेवलप करते हैं। जो खोखर बरामद हुआ, ये जानकारी भी हमारे पास, ये पटना में बाइक चोरी की घटना तो जाहिर सी बात है जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड, इस गोलीकांड में पटना पुलिस ने खोजबीन अपनी तेज कर दी है, वहीं
इसमें शामिल सभी अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अगर बात करें तो इस मामले में 3 अभियुक्त को आरोपित किया गया है, जो कि पप्पू राय, धप्पू राय और गोलख राय बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आरोपी पप्पू राय ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस गोलीबारी से उनका कहीं भी कोई सारोकार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर पटना SSP ने साफ कह दिया है कि जो भी अपनी बातें रखना हो वो कोई भी आकर पुलिस के सामने रख सकता है। तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।